सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल एंड दोस्तों टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग लोन किस तरीके से ले सकते हैं, नो इनकम प्रूफ, नो विदाउट बैंक स्टेटमेंट। यानी कि दोस्तों हम लोग को किसी प्रकार का कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर जो है बेहद ही आसानी से लोन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहां पर दोस्तों मिनिमम आप जो है 10,000 का तो लोन आपको मिल ही जाएगा। यहां पर जो है 10,000 से दोस्तों स्टार्ट है इस एप्लीकेशन के अंदर। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर 10,000 का ऑफर कर देगा। ऑफर करने के बाद दोस्तों यहां पर चाहो तो आप 10,000 भी ले सकते हैं। एंड जिस तरीके से दोस्तों हम लोग अकाउंट को साइन अप करते जाते हैं, यहां पर अकाउंट जो है ऑटोमेटिक दोस्तों लोन अमाउंट इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि हम लोग यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे तो 10,000 का ऑफर करेगा, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे तो 20,000 कर देगा। इसी तरीके से करके दोस्तों ये पूरे 1,00,000 रुपए का लोन देगा। ठीक है, नो बैंक स्टेटमेंट, नो सैलरी स्लिप, नो किसी प्रकार का कोई भी हमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना है। और मैं आपको एक चीज पहले कंफर्म कर देता दोस्तों, क्लियर कर देता हूं। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जो है एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से हमें रिवील किया कीजिए। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि वीडियो इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं, पूरा ध्यान से देखना भाई, वीडियो जो है अच्छे तरीके से देखना, तभी जाकर के जो भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूं उसको फॉलो करना। काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और लोन के लिए आवेदन के लिए तुरंत दौड़े चले जाते हैं और जाने के बाद वहां पर लोन नहीं मिलता है, लोन रिजेक्ट हो जाता है। फिर कमेंट करते हैं कि सर आपने किस तरीके से बताया था, लोन तो हमें मिला ही नहीं। तो ध्यान से देखना भाई किस तरीके से लोन लेना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इस चैनल पर जो भी आपको चीज दिखाया जाता है पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन अपनी मर्जी से डाउनलोड मत करना। अगर आप दोस्तों अपनी मर्जी से डाउनलोड करके लोन अप्लाई करते हैं तो उसका जिम्मेवार आप लोग खुद होइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी अभी ऐसे लोन एप्लीकेशन दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं जो अभी काफी लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। तो अगर आप ऐसे एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ एंड आपको पूरा लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन को दोस्तों जैसे डाउनलोड करोगे सबसे फर्स्ट में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। इस तरीके का दोस्तों दिखाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो फर्स्ट टाइम दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन के अंदर आते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। एप्लीकेशन का क्या नाम है आपको मैं सारा चीज बता दूंगा दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम मैं आपको रिवील कर दूंगा। वीडियो पहले पूरा आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मैं वीडियो के दोस्तों किसी भी पार्ट में एप्लीकेशन का नाम लूंगा तो आप ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो यहां पर दोस्तों जैसे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहां पर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपको अप्लाई में क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों सबसे फर्स्ट में जैसे आप यहां पर आते हैं आपको यहां पर पैन कार्ड को दोस्तों स्कैन करना होगा एंड यहां पर दोस्तों स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए पहले मैं यहां पर पैन कार्ड का दोस्तों फोटो खींच के अपलोड कर देता हूं। इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों सबसे फर्स्ट में आपको पैन कार्ड का ही यहां पर फोटो डालना होता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे हम लोग पैन कार्ड डालते हैं उसके बाद यहां पर पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड यहां पर पेमेंट, लास्ट में दोस्तों हमें बैंक का अकाउंट नंबर डालना होता है, पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर। एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ ही 10,000 का दोस्तों ऑफर आपको दिखाएगा। बाकी आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको ये ऑफर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले मैं पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ फोटो खींच के और यहां पर दोस्तों सबमिट बटन में क्लिक कर देता हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना आइडेंटिटी के लिए सबसे फर्स्ट में दोस्तों आपको सेल्फी अपलोड करना होगा। तो चलिए पहले यहां पर मैं पैन कार्ड का फोटो खींच के अपलोड कर दिया हूं। अपलोड करने के बाद यहां पर आपको इस वाला बॉक्स पे दोस्तों क्लिक करके सेल्फी अपलोड करना है। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैंने ब्लर किया हुआ है, अब चलिए यहां पर मैं सेल्फी अपलोड करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है सबसे फर्स्ट में ऊपर में आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ध्यान से दोस्तों देखना, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ऊपर में आपको ईमेल आईडी, उसके बाद दोस्तों जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहां पर मेल फीमेल जैसे हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन यहां पर आपको चूज करना होगा। तो आप दोस्तों कितना पढ़ाई किए हैं वो चीज आपको यहां पर देखना होगा, डालना होगा। तो यहां पर मैं दोस्तों यहां पर डाल देता हूं, अगर आप हाई स्कूल है तो हाई स्कूल, मास्टर है तो मास्टर, डॉक्टर है तो डॉक्टर। एंड यहां पर दोस्तों आप जो भी चीज है वो आप यहां पर चूज करेंगे। एंड यहां पर दोस्तों मैं हाई स्कूल डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट योर, यहां पर आपको नीचे वाला ऑप्शन पे चूज करना होगा। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपका ऑक्यूपेशन कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप स्टूडेंट हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में भी आपको लोन मिल जाएगा, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड में तो आपको कहीं पर भी लोन मिल जाएगा। ठीक है,
आप अगर सैलरीड रहते हैं तो कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग पूरा पूरी बेरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड में हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों सैलरी, एंड यहां पर दोस्तों सैलरी यहां पर आपसे पूछा जा रहा था, यहां पर 15 से 25 के बीच में आपको डालना है, ठीक है। इससे आपका लोन अमाउंट जो है रिजेक्ट आपका नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मैरिड स्टेटस में आपको चूज करना होगा, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, तो यहां पर मैं आप अपने हिसाब से दोस्तों डाल देना, मैंने यहां पर सिंगल डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों लोन रुपीज यहां पर आपको यहां पर चूज करना होगा दोस्तों, आपको यहां पर जो है किस चीज के लिए लेना चाहते हैं, लोन पर्पस के लिए, ठीक है। एंड यहां पर दोस्तों लोन पर्पस में आपसे पूछा जा रहा है आप लोन जो ले रहे हैं वो किस रीजन से ले रहे हैं। यहां पर दोस्तों आपको जो है फैमिली का प्रॉब्लम है एंड यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहां पर आप ले सकते हैं। एंड यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं एजुकेशन एंड हेल्थ, यहां पर मैं हेल्थ डाल देता हूं, आपको हेल्थ डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहां पर दोस्तों आपको टाइप, यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या आप रेंट में रहते हैं। अगर आप रेंट में रहते हैं दोस्तों तो रेंट डालेंगे, मैं यहां पर ओनर हाउस में डाल दिया हूं। एंड यहां पर दोस्तों आपको जो है देख सकते हैं नंबर ऑफ, एंड यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ जो यहां पर बताया जा रहा है आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं वो आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो है पे व मंथ यानी कि दोस्तों आप जो है आपको जो पैसे वगैरह मिलते हैं, जो आप काम करते हैं, जो भी आपके पास इनकम सोर्स है जिससे आप दोस्तों कंपनी का पैसा वापस कर सके, तो क्या आपका पैसा कैश आपको आता है या आपके बैंक अकाउंट के अंदर आता है, यहां पर दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर डाल देंगे। एंड यहां पर डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है, चलिए मैं सबमिट कर देता हूं। एंड यहां पर एप्लीकेशन का काफी लोग नाम बोल रहे थे कि सर एप्लीकेशन का नाम बता दीजिए, क्या है क्या है क्या है, आप नहीं बता रहे हैं, तो एप्लीकेशन का नाम यहां पर मैं रिवील कर दूंगा, बस ध्यान से देखते जाना, पूरा पार्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना है। एप्लीकेशन का नाम मैं रिवील कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड करना होगा। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में दोस्तों फैमिली मेंबर में आप किसी का डाल सकते हैं, जैसे कि आप दोस्तों फादर का डाल सकते हैं, मदर का डाल सकते हैं, हम यहां पर फादर का चूज करने हैं करेंगे। एंड यहां पर आप दोस्तों नंबर डालने से पहले एक चीज अच्छे तरीके से समझ लेना, जान लेना, तभी जाकर के नंबर डालना। अब नंबर डालने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो नंबर डाल रहे हैं, अगर आप लोन लेते हैं कंपनी से, लोन तो आपको मिल ही जाएगा, अगर लोन आप टाइम से दोस्तों रिपेमेंट नहीं करते हैं तो इस नंबर पे दोस्तों कॉल करके आपसे पैसे जो है रिपेमेंट के लिए मांगा जाएगा कि भाई पैसे तुम दो, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, अगर नहीं देते हो तब। तो यहां पर नंबर आप अपने हिसाब से सोच समझ के डालना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए पहले यहां पर मैं दो नंबर डाल के सबमिट कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर फाइनली अब आपको अपना बैंक डिटेल डालना है, तो उसके लिए आपको ऐड अकाउंट में क्लिक करना है। ऊपर में दोस्तों आपको जो है बैंक का नाम डालना है, यानी कि दोस्तों जिसके नाम से भी आपका अकाउंट होगा वो आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल के सबमिट में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सबमिट में हम यहां पर, चलिए पहले मैं क्लिक कर देता हूं, देखता हूं कितना का ऑफर करता है मुझे लोन। उसके बाद दोस्तों आपका जैसे बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है तो मुझे दोस्तों 10,000 का ही दोस्तों ऑफर कर रहा है, तो यहां पर आपको जो है अपने हिसाब से देख लेना, कुछ भी यहां पर ऑफर आ सकता है, अप्लाई में क्लिक करना है, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। एंड एप्लीकेशन का दोस्तों नाम यहां पर मैं आपको रिवील कर देता हूं, एप्लीकेशन का दोस्तों नाम है देख सकते हैं हांडी कैश। एंड आपको इस एप्लीकेशन से चाहो दोस्तों तो अपनी मर्जी पर लोन ले सकते हैं, मैं आपको दोस्तों सिर्फ यहां पर रिव्यू करके दिखाता हूं ताकि आप लोग दोस्तों बचे। एंड आपको जो भी प्रोसेस होता है मैं लाइव दिखाता हूं, अगर आपको लगे तो आप यहां से लोन ले सकते हैं, अगर आप हमारी मर्जी से दोस्तों लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन को तलाशा हुआ है, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके अप्लाई कीजिएगा, 1,000 से पूरे 1,00,000 रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।